नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग कैप्सूल्स के इस नए वीडियो में। और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि बॉक्स बेस जो हमारे एक आती है डीआई, इसमें एक तरह से बॉक्स बने हुए होते हैं इस डायग्राम में कुछ ना कुछ। तो वो एकदम से नया जब होता है तो समझ नहीं आता है हमारे को, तो बॉक्स की प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व की जाएगी, बॉक्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है, उसको लेते हुए मैंने डीआई बनाई है ताकि आप लोगों को सही रहे। हालांकि ये डीआई एक्चुअली में भेजी गई है मेरे को, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई मैंने किया है। बाकी ये डीआई मेरे को भेजी गई है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला है कि आप हमारे फेसबुक पेज पे बता सकते हैं किस तरह की डीआई आपको करनी है। फेसबुक ग्रुप है अपना, तो उस पर आप बता सकते हैं कि कौन सी डीआई आपको करने का मन है, किस तरह की, मतलब बहुत ज़्यादा जिसमें डिफिकल्ट हो। करने का मन की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा ना हो कि कोई भी डीआई उठा के भेज दी है। तो एकदम प्री लेवल टाइप मत भेजो, केसलेट दो तीन आई थी आज ग्रुप में, तो एकदम प्री लेवल टाइप मत भेजो यार। मेंस लेवल जो अच्छी खासी डीआई देखी, जैसे ये वाली थी अच्छी डीआई थी, नई थी, सोनाली ने भेजी थी ये, तो सोनाली ने डीआई भेजी थी तो मैंने सोचा कि चलो ये डीआई करा देते हैं। कल फेसबुक ग्रुप पे हमारे पोस्ट हो गई थी वाली डीआई, उनका डाउट था ये, तो मुझे अच्छा लगा, मेरे को लगा बॉक्स की डीआई आप लोगों को करा देनी चाहिए। तो आप लोगों के सामने है बॉक्स की डीआई। तो इस डीआई में हम समझेंगे बॉक्स का कॉन्सेप्ट क्या है। और उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि फेसबुक ग्रुप है ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा फेसबुक ग्रुप है, आप लोगों को पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बताता हूँ, फेसबुक ग्रुप है हमारा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं लर्निंग कैप्सूल का। साथ ही साथ हम लोग टेलीग्राम पर भी हैं, तो अपने डाउट्स और इन चीज़ों के लिए क्वेरीज जो भी होती है उन सब के लिए फेसबुक और टेलीग्राम दोनों भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके सामने है, डिस्क्रिप्शन देख लिया करो हर वीडियो का, आपकी आपके लिए रिक्वेस्ट है जेन्युइनली, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देख लिया करो हर वीडियो का, तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि क्या हमारा फेसबुक का लिंक है, क्या टेलीग्राम का लिंक है, और आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की डीआई हमारी, ये बॉक्स डीआई है। देखिए बहुत अच्छी डीआई है, लॉजिकल डीआई है। लॉजिकल डीआई आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने सोचा कि लॉजिकल डीआई ले लेते हैं। तो लॉजिकल डीआई ली है और साथ ही साथ ये बॉक्स का कॉन्सेप्ट भी है, प्लस ये एनर्जी वाला जो इस बार आईयूपीएस में जिस टाइप से एनर्जी वाले को रोबोट वगैरह, वो मैकेनिज्म वगैरह, टॉय वगैरह का कुछ आया था, तो इसी तरह से मैंने सोचा कि एनर्जी भी इसमें साथ में, तो इसलिए बहुत अच्छी डीआई आप लोगों के लिए करने के लिए। दो तीन कॉन्सेप्ट इकट्ठे सारे क्लियर हो जाएंगे और डर खुल जाएगा कि यार एनर्जी आ जाता क्या होगा, जूल्स में आ जाता है, कैलरीज यूनिट वगैरह होती हैं उसमें, इस तरह का क्वेश्चन दे दिया है, तो कुछ नयापन सा है इस क्वेश्चन में, देखिएगा मज़ा आएगा। शुरू करते हैं, देखिए साथ साथ पढ़िए क्वेश्चन को। अ रेस वॉज कंडक्टेड बिटवीन फाइव डिफरेंट पर्सन्स, नेमली ए, बी, सी, डी एंड ई। ठीक है, तो एक रेस हुई है पांच लोगों के बीच में हुई है। ठीक है, ग्राफ गिवन बिलो शोज द मैक्सिमम एंड मिनिमम एनर्जी इन किलो कैलरीज। किलो कैलरी में ग्राफ है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, देख लीजिए, किलो कैलरी में यूनिट का बहुत बड़ा खेल होने वाला है। ठीक, एसोसिएटेड विद ईच ऑफ द रेसर्स एट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द रेस। मतलब ये बोल रहा है कि इस ग्राफ में क्या बताया गया, मैक्सिमम और मिनिमम एनर्जी बताई गई है रेसर की। मैक्सिमम एनर्जी कब होगी रेसर की, जब वो रेस एकदम स्टार्ट करेगा तब एनर्जी मैक्सिमम होगी, खर्च नहीं हुई होगी, है ना। और मिनिमम एनर्जी कब होगी, जब रेस एकदम खत्म हो जाएगी तब एंड ऑफ द रेस पर रेस्पेक्टिवली दिया है, ये दोनों एनर्जी शो की गई है। ग्राफ ऑल्सो शोज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द रेसर्स वेन दे स्टार्टेड रनिंग विद देयर मैक्सिमम स्पीड एंड वेन दे केम बैक टू देयर नॉर्मल स्पीड। मतलब चार चीज़ें बताई गई हैं ग्राफ में, बोल रहा है एक तो मैक्सिमम एनर्जी बताई गई है, एक मिनिमम एनर्जी बताई गई है, एक मैक्सिमम स्पीड बताई गई है, मतलब मैक्सिमम स्पीड के टाइम क्या एनर्जी रही होगी, और एक नॉर्मल स्पीड के टाइम क्या एनर्जी रही होगी जब वो वापस से नॉर्मल स्पीड में आ जाता है। तो चार तरह की एनर्जी इस ग्राफ में बताई गई है, मुझे आपको शायद देख के लग नहीं रहा होगा चार तरह की एनर्जी किस तरह से, जिन लोगों को बॉक्स सॉल्व करने नहीं आता उनके लिए बेस्ट है, आराम से देखिएगा, बहुत तरीके से बॉक्स सॉल्व करना आ जाएगा, और बॉक्स आ सकता है यार किसी भी, मतलब किसी टाइम आ सकता है एग्जाम में बॉक्स। सीलिंग ऑफ द रेक्टेंगल, सीलिंग ऑफ द रेक्टेंगल, देखो मैं ये क्वेश्चन यहाँ से सही करता हूँ ताकि जो लोग बाद में देख रहे हैं वो लोग देख पाएँ आराम से। देखो मैं क्या पढ़ रहा हूँ कि सीलिंग, ध्यान से देखना क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है तो मिस मत कर देना। सीलिंग ऑफ द रेक्टेंगल शोज द एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच ऑफ द रेसर्स एट द टाइम वेन दे स्टार्टेड रनिंग एट देयर मैक्सिमम स्पीड्स। क्या बोलता है कि जो रेक्टेंगल की सीलिंग है, सीलिंग एक रूम की सीलिंग क्या होती है, रूम की छत होती है, समझ गए, उसको बोलते हैं सीलिंग, जो जिसमें पंखा लगा होता है ना वो सीलिंग होती है, सीलिंग फैन आता है ना इसलिए इसको बोलते हैं सीलिंग, हिंदी वालों के लिए स्पेशली बता रहा हूँ, किसी को अगर सीलिंग नहीं पता हो तो कोई शर्माने की बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, सीलिंग मतलब जहाँ पंखा लगा होता है ना ऊपर, तो सीलिंग फैन इसलिए बोला जाता है उसको, तो वो सीलिंग मतलब छत हो गई। ठीक, तो भाई ऐसा है कि ये सीलिंग हो जाएगी रेक्टेंगल की, इस रेक्टेंगल की सीलिंग ये हो गई, इस रेक्टेंगल की सीलिंग ये हो गई, इसकी ये हो गई, समझ रहे हो, सीलिंग मतलब ऊपर का पोर्शन, छत वाला पोर्शन, तो रेक्टेंगल का ये हो गया ना, तो ये हो गई रेक्टेंगल की सीलिंग। ठीक है जी, सीलिंग समझ में आ गई भाई, टीचर से ज़्यादा भाई देखो अपन तो दोस्त की तरह पढ़ा रहे हैं, दोस्त बड़ा भाई छोटा भाई जो मानना मान लो यार, अपन तो वैसे पढ़ाएंगे तो सीलिंग नहीं बताओ, अपन तो सीलिंग भी बताएंगे, कोई इशू नहीं है अपने को। ठीक है, तो ये सीलिंग वाला पोर्शन, रेक्टेंगल की सीलिंग वाला पोर्शन क्या बताता है, हर रेसर का टाइम जब वो मैक्सिमम स्पीड पे रन करना स्टार्ट करता है। मतलब ये सीलिंग वाला जो रेक्टेंगल का सीलिंग है, ये कौन सा पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ना ये वाला, ये जो बता रहा है ये कौन सा है, मैक्सिमम स्पीड वाला पोर्शन, मैक्सिमम स्पीड पे जो एनर्जी होती है ना
मैक्सिमम स्पीड की जो एनर्जी होती है वो है ये रेक्टेंगल की सीलिंग। बात समझ में आ रही है, ये बाद में मिटा दूंगा। अच्छे समझ लो कि ये कौन सा दिखा रहा है। ये एनर्जी वो दिखाता है जब इसकी मैक्सिमम स्पीड रेसर गेन करता है। भाई एक रेसर है यहाँ से भागना शुरू किया इसने, ठीक है, तो एक पॉइंट होगा ना बीच में कहीं, या दो पॉइंट होंगे जहाँ पे इसकी एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, मतलब मैक्सिमम एनर्जी डालेगा। भाई मैराथन होगा तो एकदम एंड में डालता है, 100 मीटर होगा तो लास्ट के 10 मीटर में डाल रहा होगा। तो जहाँ भी एनर्जी मैक्सिमम होती है ना इस बंदे की, इस आदमी की एनर्जी जहाँ भी मैक्सिमम होती है, उस पॉइंट पर जो एनर्जी होती है वो एनर्जी कौन सी है, मैक्सिमम स्पीड जहाँ पे आ रही होगी, सॉरी मैक्सिमम एनर्जी नहीं, मैक्सिमम स्पीड जहाँ पे अचीव कर रहा होगा। मान लो 40 40 मीटर पर सेकंड में भाग रहा है, 40 मीटर पर सेकंड में भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। एक पॉइंट पे मान लो 45 आई है इसकी, 45 मीटर पर सेकंड आई है, तो उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आई होगी वो आई होगी जो एनर्जी यहाँ पे सीलिंग रेक्टेंगल पे दी गई है। अब मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी कि ये धावक, ये रेसर जब मैक्सिमम स्पीड गेन करता है, उस समय जो उसकी एनर्जी होती है मैक्सिमम स्पीड गेन करते टाइम, वो जो एनर्जी होती है वो कहाँ बताई गई है, रेक्टेंगल की इन सीलिंग्स पे। जैसे इसकी बताई गई कितनी 40, इसकी कितनी है 45 होगी, इसकी 30 है। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट बताया गया। एक बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, बहुत आराम से समझा रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो बाद में, ठीक। अच्छा आगे क्या बोलता है, एंड द फ्लोर ऑफ द रेक्टेंगल शोज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द रेसर व्हेन दे कम बैक टू देयर नॉर्मल स्पीड्स, ठीक है। फ्लोर ऑफ द रेक्टेंगल, फ्लोर समझ गए क्या हो गया, फ्लोर भाई भाई सीलिंग समझा दी, फ्लोर क्या हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया, ये वाला फ्लोर हो गया, ये फ्लोर हो गया, नीचे वाला, नीचे वाला है ना। फ्लोर ऑफ द रेक्टेंगल क्या बताते हैं, फ्लोर ऑफ द रेक्टेंगल शोज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द रेसर व्हेन दे कम बैक टू देयर नॉर्मल स्पीड। अब बोल रहा हूँ जब वो भाई बंदा भाग रहा था, तो जब उसने मान लो इस पॉइंट पर मैक्सिमम स्पीड ले ली, उसके बाद कभी ना कभी नॉर्मल स्पीड में आएगा ना वापस, तो नॉर्मल स्पीड में जब आएगा तब जो एनर्जी होएगी वो कौन सी एनर्जी होगी, ये फ्लोर पे जो एनर्जी है वो होगी नॉर्मल स्पीड पे, एनर्जी जो होगी वो होगी फ्लोर वाली एनर्जी, रेक्टेंगल के फ्लोर वाली। रेक्टेंगल की बातें समझ में आ गई, दोनों बातें जो अभी तक बताई गई, चार एनर्जी दी कुल मिला के क्वेश्चन में, इस ग्राफ में दो बातें समझ में आ गई होगी कि भाई सीलिंग पे तो वो हो रहा है जो मैक्सिमम स्पीड जब आ रही है तब कितनी एनर्जी रही होगी, और फ्लोर पे क्या है जब नॉर्मल स्पीड में दोबारा आया तब उसकी एनर्जी क्या रही होगी। अगर इस ग्राफ को समझ लोगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ एक एक लाइन में क्वेश्चन होंगे, एक एक लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा पूरा, समझ रहे हो, क्वेश्चन जो आएंगे एक एक लाइन के क्वेश्चन है। ग्राफ समझ में आ गया, तो ग्राफ नहीं समझ में आया तो जो मर्जी कर लेना, कुछ समझ नहीं आएगा फिर, ठीक है। आगे चलते हैं, द सीलिंग ऑफ द लाइन शोज द एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच ऑफ द रेसर एट द स्टार्ट ऑफ द रेस। स्टार्ट ऑफ द रेस में एकदम मैक्सिमम एनर्जी होगी, भाई रेस शुरू नहीं हुई, एकदम कूद रहा, हाँ भाई आ जा भागूंगा, तो उस समय मैक्सिमम एनर्जी रहेगी। ये बोल रहा है सीलिंग ऑफ द लाइन, लाइन की सीलिंग कौन सी होगी, ये हो गया लाइन की सीलिंग, समझ रहे हो, लाइन का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो होगी लाइन की सीलिंग। तो लाइन की सीलिंग क्या बता रही है, एनर्जी तब की जब रेस एकदम स्टार्ट होगी, मतलब देखो मैक्सिमम एनर्जी वही है, देखो पूरे भाई ए ये है, ए की मैक्सिमम एनर्जी कहाँ आ रही है, सबसे ये ऊपर, सबसे ऊपर यही होगी, बी की यही पॉइंट होगा, सी का ये पॉइंट होगा मैक्सिमम एनर्जी का, तो ये रेस की स्टार्टिंग का पॉइंट है, ये मैक्सिमम एनर्जी है, ये है सीलिंग ऑफ द लाइन। आई बात समझ में, आगे क्या बोलता है, एंड द टेल ऑफ द लाइन शोज द एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच ऑफ द रेसर एट द एंड ऑफ द रेस दैट इज मिनिमम एनर्जी। टेल मतलब देखना, अच्छे से देखना भैया, भाई टेल की अगर बात करोगे तो ये पॉइंट समझ लो, ग्रे वाले जो दिखा रहा हूँ मैं, ये कौन सी हो गई, टेल हो गई, ये आप देख रहे हो मिनिमम एनर्जी है, ये मिनिमम एनर्जी है ना भाई, ग्रे वाले, ग्रे नहीं दिख रहा है अगर किसी को तो ये वाले पॉइंट बता रहा हूँ मैं, ये मिनिमम एनर्जी के पॉइंट होंगे कि नहीं होंगे, सबसे कम एनर्जी ए बी सी डी ई की यहीं पे है, तो ये कौन से हैं, ये एंड ऑफ द रेस है, और ये कौन सा है, स्टार्ट ऑफ द रेस है। स्टार्ट ऑफ द रेस में क्या होगा, एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, होगी भाई, और रेस खत्म होगी तो एनर्जी सबसे क्या होगी, मिनिमम होगी, सारी एनर्जी झोंक चुका है रेस में, तो एनर्जी मिनिमम होगी जब एकदम एंड होगा, टेल होगा। तो चार तरह की एनर्जी बताइए, जैसे ए में ये एक एनर्जी स्टार्ट की, ये मैक्सिमम स्पीड की, ये जब नॉर्मल स्पीड वापस आएगा, और ये एंड की, तो चार एनर्जी ए के लिए, इसी तरह चार बी, चार सी और चार डी, इस तरह से हमको बातें बताइए। आई होप आप लोगों को चारों एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, कहाँ पर कौन कौन सी एनर्जी है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो चार एनर्जी हर ग्राफ में बताइए, इतना आराम से, इसलिए मैं आपको 5-10 मिनट तक पूरी एनर्जी समझा रहा हूँ। लोग बोलते हैं सर क्वेश्चन फटाफट क्यों नहीं लाते स्क्रीन पे, यार क्वेश्चन लाने में क्या है यार, क्वेश्चन ये पांच कर लोगे कैसे, रट रट के मेरे से क्वेश्चन एग्जाम में सेम तो आएगा नहीं ना, तो सीखना फंडा पड़ेगा ना, तो इसलिए बॉक्स का फंडा सिखाने के लिए आपको पूरा प्रॉपरली बता रहा हूँ मैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू नाउ। तो टेल तक की बात हो गई, अब क्या बोलता है, वेन द एनर्जी एसोसिएटेड विद द रेसर इज लेस देन 30 किलो कैलरीज, वो बोलता है जब रेसर की एनर्जी 30 किलो कैलरी से कम होती है, देन ही कैन टेक एनर्जी ड्रिंक, तब वो एक एनर्जी ड्रिंक ले सकता है, एक एनर्जी ड्रिंक पी सकता है, ठीक है, विच इंक्रीजेज हिज एनर्जी बाई 25%। तब बोलता है कि वो क्या बोल रहा है, जब उसकी 30 किलो कैलरी से जब भाई कम हो जाती है एनर्जी, क्या बोलता है, जब रेसर जो है, ठीक है,
रेसर साहब हैं, इनकी एनर्जी जब 30 किलो कैलोरी से कम हो जाएगी तो वो क्या कर सकता है, एक एनर्जी ड्रिंक आती है उसको पी लेगा तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, 25% बढ़ जाएगी। ठीक है, बाय बाय 25% बढ़ जाएगी। इसका मतलब कितनी हो जाएगी, जैसे कि उसकी एनर्जी 100 हुई तो कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी उस पॉइंट पे। मगर 100 तो हो नहीं सकती क्योंकि 30 से कम होएगा तभी काम होएगा। ठीक है, तो जैसे उसकी एनर्जी अगर मान लो 28 हुई तो 28 का कितना हो जाएगा, 5/4 टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो 35 हो जाएगी उसकी एनर्जी उस टाइम पे। ठीक, 25% से बढ़ जाएगी, 28 की 7 से बढ़ जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये एनर्जी ड्रिंक लेने से उसकी 25% से एनर्जी बढ़ जाती है, अगर जब भी उसकी कैलोरी 30 किलो कैलोरी से उसकी एनर्जी कम होगी तब वो एनर्जी ड्रिंक ले सकता है। बात समझ में आ गई यहाँ तक, एनर्जी ड्रिंक का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे बता दिया इसने। आगे क्या बताया भाई, इन्फॉर्मेशन सारी इंपॉर्टेंट है। एनर्जी ड्रिंक कैन बी टेकन ओनली वंस, एनर्जी ड्रिंक खाली एक बार ली जा सकती है। ऐसा नहीं है बार 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 वो रेस मारता रहेगा एनर्जी लेता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होएगा। ठीक, नोट में क्या दिया है, 1 किलो कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी। ठीक है, हम लोगों को पता होता है ये किलो का मतलब 1000 होता है, किलो का मी ये किलो कोई ऐसा नहीं होता, कैलोरी का मतलब ऐसा कुछ है भाई, जो थोड़ा सा साइंस बैकग्राउंड में लोग जानते होंगे कि किलो का मतलब क्या होता है ना, किलो होता है 10 की पावर 3 को हम बोलते हैं किलो। तो समझ गए, अब 1 किलोग्राम मतलब क्या हो जाता है, 10 की पावर 3 ग्राम, 1000 ग्राम, इस तरह से किलो, सेंटी, मेगा, गीगा। ठीक है, इस तरह से अलग अलग यूनिट्स होती हैं, कोई 10 की पावर 6 होता है, कोई 10 की पावर 9 होता है, कोई माइक्रो आता है, फिर नैनो 10 टू पावर -9 होती है, 10 टू पावर -12, फेंटा 10 टू पावर -15, इस तरह से अलग अलग यूनिट्स होती हैं। थोड़ा सा साइंस बैकग्राउंड वाले लोग हैं उनको पता होगा, नहीं तो कोई बात नहीं, बता देगा आपको क्वेश्चन में, ज़रूरी नहीं है आपका साइंस बैकग्राउंड हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, तो इसने बता दिया 1 किलो कैलोरी बराबर आपकी 1000 कैलोरी है, ये इसने बता दिया हमारे को। ठीक, और आगे बताया 1 कैलोरी बराबर 4 जूल, ये भी इसने बताया है, एक्चुअल में जो भी हो मगर यहाँ पे इसने बताया 1 कैलोरी में कितना है, 4 जूल। इसको स्टैंडर्ड मत मान लेना, एक बात बताइए इसने किस क्वेश्चन के लिए आप क्या लोगे, 1 कैलोरी में 4 जूल को लोगे, बात याद रखना। एनर्जी इन किलो कैलोरीज गिवन इन द चार्ट आर इन मल्टीपल ऑफ 5, ये बोल रहा चार्ट में जितनी भी एनर्जी दी गई है किलो कैलोरी में दी गई है। ठीक है, हमको बताया किलो कैलोरी में, साथ ही साथ 5 का मल्टीपल है सारी की सारी। अब ये किस लिए दिया होगा 5 का मल्टीपल है भाई, जैसे ये 40 दिख रही है, अब ये किसी को नहीं दिख रही, समझ जाओ कि 20 और 30 के बीच में तो ये 25 रही होगी डेफिनेटली। ठीक है, बीच में कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं, ये 20 और 30 के बीच में 25 रही होगी, इस तरह से बात है। ये 40 और 50 के बीच में 45 रही होगी, 44 46 कुछ मत मानना, तो इसलिए इसने ये 5 का मल्टीपल वाली बात बोल दी। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है मगर दिमाग में सेट हो जानी चाहिए क्योंकि ईजी इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रहे। हाँ, बस ध्यान रखने की बात क्या है, 1 किलो कैलोरी में कितना है, 1 किलो कैलोरी की बात हुई है, 1 किलो कैलोरी में क्या होता है, 1000 कैलोरी होती है। ठीक है, 1000 कैलोरी, और 1 कैलोरी में कितना बताया इसने, 4 जूल होते हैं, 4 जे होते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई हो, अब हम बढ़ते हैं आगे। 4 एनर्जी दी है, बाकी थोड़ी बहुत डिटेल दी है, एनर्जी ड्रिंक से 25% इंक्रीमेंट हो जाता है एनर्जी में। तो अब चलते हैं आगे हम क्वेश्चन पे, अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं, अब हम क्वेश्चन करने के लायक हो गए हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पकड़ते हैं, पहला क्वेश्चन क्या, देखो क्वेश्चन एक एक लाइन के क्वेश्चन है मगर ठीक है, हम आराम से समझेंगे, मैं आपको आराम समझाऊंगा, बिल्कुल समझ में आएंगे, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन से। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या बोलता है ये। ए एंड सी फिनिश रेस इन 50 मिनट्स एंड 80 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ए की बात हुई है, सी की बात हुई है। ए बोलता है 50 मिनट में रेस कंप्लीट करता है। ठीक है, सी कितने में करता है, 80 मिनट में रेस कंप्लीट कर देता है। ठीक है, ओके, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी इन जूल्स पर मिनट। जूल्स पर मिनट में, जूल पर मिनट में बताना है। ठीक है, जूल्स पर मिनट के इस यूनिट में आपको बताना है रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ ए एंड सी। नन ऑफ देम टुक एनर्जी ड्रिंक, दोनों में से किसी ने एनर्जी ड्रिंक नहीं ली तो एनर्जी ड्रिंक इस क्वेश्चन में नहीं लगेगी। ठीक है, ए और सी की लॉस ऑफ एनर्जी बतानी है, रेस फिनिश की है इन लोगों ने। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ देखो, रेस फिनिश कर दी है। ठीक है, तो रेस फिनिश करने में इनको क्या लगा होगा बताओ, रेस फिनिश करने में इनकी कितनी एनर्जी कहाँ से कहाँ तक वेस्ट हुई होगी, अब ये बताओ आप सोच के देखो, ये एक बार दिमाग लगाओ कि इसने बोला रेस फिनिश कर दी। ठीक है, और बताना है लॉस ऑफ एनर्जी कितना हुआ होगा। अगर मैं ए आपके सामने डिस्कस करूं, ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, प्यार से देखना इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। ये रहा ए का ग्राफ, दिख रहा है आपको ए का ग्राफ, अच्छा जी। अब अगर ए के ग्राफ में आप देखो कि मैक्सिमम एनर्जी शुरू में कितनी रही होगी भाई, लॉस ऑफ एनर्जी निकालना है तो लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगा, जो भाई शुरू में एनर्जी रही है और जितनी फाइनली एनर्जी बची है उनका डिफरेंस लॉस ऑफ एनर्जी होगा, होगा भाई, यही तो होगा ना। तो शुरू में क्या बताया मेरे को याद है, टॉप पे क्या बताया था, टॉप में ये बताया था कि ये जो लाइन का टॉप पे क्या बताता है, जो उसकी मैक्सिमम एनर्जी लेके चला होगा एकदम स्टार्टिंग ऑफ द रेस। ठीक है, तो स्टार्टिंग ऑफ द रेस में कितनी लेके चला है, 60 है ये, 60 माइनस माइनस सबसे कम ये क्या थी, एंड ऑफ द रेस कितना है, 15 है,
10 और 20 के बीच में है, 15 है, 10 और 20 के बीच में 12 13, मतलब कि 5 का मल्टीपल बताया है तो 15 हो जाएगा, तो 60 माइनस 15 हो जाएगा, मानते हो 60 माइनस 15 का ये लॉस आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड में कितना है, 50 मिनट है, मगर ऊपर बेटा जी ये किलो कैलोरी में है, किलो कैलोरी को हमको किस में बदलना पड़ेगा, नीचे तो मिनट है, नीचे तो मिनट है, कोई इशू नहीं है, मगर किलो कैलोरी को लाला जी जूल में बदलना पड़ेगा। तो एक किलो कैलोरी में कितनी कैलोरी होती हैं, 1000 कैलोरी होती हैं जी, और एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 4 जूल होते हैं, तो 1000 कैलोरी में कितने हो जाएंगे, 4000 जूल हो जाएंगे। ये बात समझ में आती है कि नहीं, 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी बराबर आपका कितना हो जाएगा, 4000 जूल हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि 1 किलो कैलोरी में कितना है आपका, 1000 कैलोरी है, ठीक है, 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरी, और 1 कैलोरी में 4 जूल बताया है, तो 1000 कैलोरी में 4000 जूल हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ जानी चाहिए कि किलो कैलोरी को मैं 4000 जूल लिख सकता हूँ, 1 किलो कैलोरी को, ठीक। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, ये डिफरेंस कितना है भाई, देखो अब इस क्वेश्चन को आराम से दिखाता हूँ मैं, ये हमने क्या निकाला है, ए का निकाला है ना, देखो ए का वापस से लिख के दिखा रहा हूँ, अब आपको आराम से देख सकते हो भाई ए में क्या हुआ। उसने बोला हमको कि 60 शुरू में था, 60 माइनस 15, ठीक है, 60 माइनस 15 डिवाइड बाई कितना हुआ, 50 हुआ, ठीक है, ये किलो कैलोरी में था, इंटू में कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये जूल्स पर मिनट आ जाएंगे। और इसी तरह से अगर मैं सी का देखूँ, देखना सी को ध्यान से देखना, सी कौन सा है, ये रहा सी, ठीक है, सी की मैक्सिमम कितनी है, 40 और 50 के बीच में, तो 45 है, अच्छा 45 माइनस कितना हो जाएगा, मिनिमम देखो सी की कितनी है, मिनिमम है ये रही 5, तो ये रही 5, 45 माइनस 5 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, इंटू में कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा, ठीक है, 4000 क्यों किया, कैलोरीज में बदलने, वो जूल में बदलने के लिए। तो अगर इसको सॉल्व करूँ कितना हो जाएगा, 45/50 मतलब 9/10 गुणा 4000 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 3600 जूल्स पर मिनट, ठीक। इसी तरह से इसको सॉल्व करूँगा तो 40/80 मतलब हाफ गुणा 4000 मतलब 2000 जूल पर मिनट आ जाएगा। पूछा क्या है, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, 3600 और 2000 का डिफरेंस कितना होता है, 1600 जूल पर मिनट। पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, 1600 जूल पर मिनट। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई हो भाई। मेरे को बोला लॉस ऑफ एनर्जी निकालना है, मैंने कहा लॉस ऑफ एनर्जी जब रेस फिनिश की है, इसने रेस फिनिश की है मतलब एक मैक्सिमम स्पीड से शुरू हुआ, ये रही मैक्सिमम स्पीड, एक मिनिमम स्पीड पर जाके खत्म हो जाएगी, ये रही मिनिमम स्पीड, ये भी दी थी, इन दोनों का डिफरेंस निकाला, ये रहा इन दोनों का डिफरेंस, कितने टाइम में किया, डिवाइड बाय 50 कर दिया, इतने मिनट में किया, इंटू में 4000 क्यों किया, क्योंकि ये किलो कैलोरी में दिया हुआ है, मुझको किस में निकालना है, जूल में निकालना है। इससे ए का आया, उससे सी का आया, ए और सी का डिफरेंस आ गया कितना, 1600 जूल पर मिनट। मेरा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, ध्यान से देखना, देखो क्या बोलता है ये, एट पॉइंट पी ए इज रनिंग विद 17 किलो कैलोरीज। अच्छा पॉइंट पी की बात हो रही है, चलो पॉइंट पी लिख लेते हैं हम, नीचे लिख लेता हूँ मैं थोड़ा सा, कई लोगों को दिखता नहीं है ऊपर, ध्यान से देखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, सारे ही क्वेश्चन अच्छे हैं इसमें, एक से एक है पांचों क्वेश्चन, पॉइंट पी की बात हो रही है। अच्छा पॉइंट पी पे क्या बोल रहा है, ए इज रनिंग विद 17 किलो कैलोरीज, ये बोल रहा है ए भाई साहब हमारे वो किस कितनी स्पीड कितनी एनर्जी से रन कर रहे हैं, 17 किलो कैलोरीज से रन कर रहे हैं, ठीक है जी, 17 किलो कैलोरीज से रन कर रहे हो, अच्छी बात है। एंड ही टेक्स एनर्जी ड्रिंक सच दैट एनर्जी, अब इसने क्या कर दिया, 17 किलो कैलोरी के बाद इसने क्या कर दिया, एनर्जी ड्रिंक ले ली है, प्लस एनर्जी ड्रिंक यहाँ पे इसने ले ली है, मानते हो एनर्जी ड्रिंक का इंटेक हो गया, एनर्जी ड्रिंक इंटेक होते क्या होगा, एनर्जी 25% से बढ़ जाएगी, 25% से बढ़ जाने का मतलब क्या होगा, सोच के बताओ, 25% 17 किलो कैलोरीज का बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 17 गुणा 5/4, 5/4 क्यों भाई, 25% बढ़ेगा तो 5/4 हो जाएगा, 1+25% मतलब 1/4, दैट इज़ 5/4 हो जाएगा किसी भी चीज़ का, तो 25% से बढ़ना मतलब 5/4 हो गया, एनर्जी ड्रिंक का इफेक्ट 5/4, ठीक। नई एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी, नई एनर्जी हो जाएगी इसकी 85/4 किलो कैलोरी, यहाँ तक बात समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है, 85/4 हो जाएगी किलो कैलोरी, ये वापस लिख देता हूँ मैं, 85/4 किलो कैलोरी ये इसकी एनर्जी हो जाएगी एनर्जी ड्रिंक लेने के बाद, क्योंकि पहले 17 थी, फिर 25% से बढ़ेगी मतलब 85/4 हो जाएगी, इंटू 5/4 कर दिया क्योंकि मैंने, अगली बात समझ में आता कि ये पॉइंट पी पे ए की बात हो रही है, ही टेक्स एनर्जी ड्रिंक ले ली, ठीक है, सच दैट ही कवर्ड 1 मीटर बाई लूजिंग 5 जूल्स ऑफ एनर्जी टिल द एंड ऑफ द रेस,
ये बोल रहा है इसने एनर्जी ड्रिंक ली, उसके बाद में 5 जूल एनर्जी लगाता है तब 1 मीटर कवर होता है, एंड सच दैट ही कवर्ड 1 मीटर बाई लूजिंग 5 जूल्स ऑफ एनर्जी टिल द एंड ऑफ रेस। मतलब 5 जूल एनर्जी के खर्चे पे 1 मीटर चल पाता है। आगे बात समझ में? एक बात ये देखो, अच्छा अब देखो होती बात क्या है यहाँ पे, ये पॉइंट पी की बात हो रही थी, ठीक है, पॉइंट पी पे इतनी एनर्जी थी इसके पास क्यों इसने एनर्जी ड्रिंक ले ली। अब ये एंड ऑफ द रेस तक गया, मान लो ये कहाँ तक गया, ये गया एंड ऑफ द रेस। एंड ऑफ द रेस पे ए की एनर्जी कितनी होती है बताओ जरा, एंड ऑफ द ए भाई, एंड ऑफ द रेस पे ए की एनर्जी कितनी होती है, ये नहीं होती क्या भाई? रेस की शुरुआत में एनर्जी ये रहती है, बताया आपको, रेस के एंड में क्या रहता है, एकदम लास्ट वाला पॉइंट रहता है, बताया इसने, रेस फिनिश करता है तो रेस के एंड में क्या रहता है पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट रहता है। लास्ट वाले पॉइंट की एनर्जी देखो कितनी है, 15 है, ये पॉइंट इतना 15 ही तो है, 10 और 20 के बीच में, तो एंड ऑफ द रेस में कितना रह जाता है, ये 15 किलो कैलोरीज रह जाती है। ये बात समझ में आती है, पॉइंट पी पे एनर्जी इतनी है, एंड ऑफ द रेस पे एनर्जी इतनी है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा ये समझ में आ गया ना, एंड ऑफ द रेस को, एंड ऑफ द रेस मतलब ये लास्ट वाला पॉइंट हो गया, और पॉइंट पी पे हमारे को 17 बताई थी, उसके बाद एनर्जी ड्रिंक ली तो 85/4 हो गया, ठीक। ये बोल रहा है 5 जूल ऑफ एनर्जी लगाता है 1 मीटर चलने के लिए। पहले तो ये देखो कि पॉइंट पी से एंड तक कितनी एनर्जी वेस्ट हुई हो, मतलब वेस्ट क्या बोलूँ, कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई होगी भाई। पॉइंट पी पे एनर्जी कितनी है, 85/4, एंड ऑफ द रेस पे एनर्जी कितनी बची है, 15 बची है, डिफरेंस कितना है एनर्जी का, 25/4 आ जाएगा क्या, 85, ये 25/4 आ गया, तो 25/4 किलो कैलोरीज एनर्जी पॉइंट पी से लेके एंड तक लगी। आगे बात समझ में, क्योंकि एंड ऑफ द रेस पे ये एनर्जी और पॉइंट पी पे एनर्जी ये है, तो इनके बीच का डिफरेंस मतलब उस दौरान भागने के लिए यूज़ हुआ ये किलो कैलोरीज। मेरा काम सारा किससे चल रहा है, जूल से चल रहा है, 25/4 किलो कैलोरी को जूल में बदलूंगा मतलब कितना, इंटू 4000, अभी पिछले क्वेश्चन में किया हमने, 4000 को इससे गुणा करोगे तो एनर्जी कितनी आ जाएगी, 25000 जूल आ जाएगी। 25000 जूल्स एनर्जी लगी है पॉइंट पी से एंड ऑफ द रेस जाने में। मुझे क्या बोला गया है, 1 मीटर चलने के लिए, क्या बोला गया, 1 मीटर चलने के लिए 5 जूल ऑफ एनर्जी लगती है आपको बताया गया ये, तो इसका मतलब हर मीटर के लिए 5 जूल, तो इसको अगर डिवाइड बाई आप क्या कर दोगे, डिवाइड बाई इसको मैं कर दूंगा 5 जूल से, तो इसका मतलब क्या लग जाएगा कि 5000 मीटर की यात्रा ए ने ट्रैवल की है। आती है बात समझ की, नहीं आती है, नहीं आती, दोबारा एक बार समझा रहा हूँ पूरा अच्छे से देख लो ए की बात, क्योंकि फिर ए की मिटाऊंगा फिर अगला बी का केस करूंगा। मैंने ए की डिस्टेंस निकाली है पॉइंट पी से लेके एंड ऑफ द रेस तक कितना चला है वो, कैसे भाई, उसने बोला था शुरू में पॉइंट पी पे उसकी एनर्जी कितनी, ध्यान से देख लो जिनको नहीं समझ आया एक बार में, 17 किलो कैलोरी रहती है शुरू में, 17 किलो कैलोरी रहती है, और वो बोलता है एनर्जी ड्रिंक ले ली, एनर्जी ड्रिंक लेते क्या हुआ, 25% बढ़ गई, 25% बढ़ गई मतलब इंटू 5/4 कर दिया, उससे आ गया 85/4 किलो कैलोरीज। आगे बात समझ में, बोलता है कि फिर वो एंड ऑफ द रेस तक जाता है, एंड ऑफ द रेस पे ए की एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 15 होनी चाहिए, हमको ग्राफ में दिखाया हुआ है, एंड ऑफ द रेस पे 15 किलो कैलोरी होती है, चलो भाई मैंने ये भी लिख दिया। इन दोनों का फिर मैंने निकाला डिफरेंस, मैंने कहा भाई ए मान लो ए यहाँ से यहाँ तक भाग रहा था, ठीक है, ये पॉइंट पी था, ये एंड पॉइंट था, यहाँ पे कोई एनर्जी ईवन है, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी ईवन रही है, यहाँ पे एनर्जी कितनी रही होगी, यहाँ पे एनर्जी रही होगी E2 रही होगी, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में एनर्जी में डिफरेंस कितना है, E1 - E2 ही तो आएगा, तो E1 - E2 निकालने के लिए मैंने क्या लिख दिया, 85/4 - 15, वो आ गया मेरा कितना, 25/4 किलो कैलोरी। अब मैंने देखा यहाँ पे फिर से यूनिट कौन सी दी हुई थी, जूल दी हुई थी, मैंने 25/4 किलो कैलोरी को जूल में बदला तो कितना हो गया, 25/4 × 4000, क्योंकि 1 किलो कैलोरी में कितना, 4000 जूल होता है, तो ये कितना आ गया, 25000 जूल। फिर मुझे बोला कि 5 जूल में 1 मीटर चलता है, तो मैंने 5 जूल से डिवाइड कर दिया, तो मेरे क्या आ गए, मीटर्स आ गए, कि भाई 5 जूल में 1 मीटर चल रहा था ना, 5 जूल पर मीटर लग रहा था, तो 5 जूल पर मीटर लगता है, टोटल एनर्जी लग 25000 जूल, तो कितना, 5000 मीटर चला होगा वो, सिंपल सी बात है, ठीक है भाई, 5 जूल में 1 मीटर चलता है, तो 5000 मीटर कितने, 25000 जूल में चलेगा ये वाला, 25000 जूल। इसका मतलब पॉइंट पी से एंड तक का डिफरेंस हमारा जो एनर्जी का 25000 जूल आ रहा है, उसमें हमने 5000 मीटर की यात्रा करवाई है ए को। आ गई बात समझ में, 5000 मीटर की यात्रा, 2 बार समझा दी अच्छे से आपको, तो 5000 मीटर की यात्रा ए ने ट्रेवल की है पॉइंट बी से एंड पॉइंट तक, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसने 5000 मीटर की यात्रा ट्रेवल की है, ठीक है, पॉइंट बी से एंड तक के लिए, उसको मैं मेंशन कर देता हूँ, यहाँ से लेके एंड पॉइंट तक कितना चला ये भाई, 5000 मीटर चला है। आ गई बात समझ में, अच्छा ये पॉइंट पी है, ठीक है, पॉइंट पी होगा ना ये,
पॉइंट पी से एंड तक कितना चला, 5,000 मीटर। अच्छा आगे क्या बोलता है देखते हैं, क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आगे भी बढ़ना है ना, इतना मैं समझाने में डूब गया था आप लोगों को कि अच्छे से समझाना मकसद था। देख रहे हो एक एक लाइन में बन रहा है, अगर वो ये कि थोड़ा समझने की दे रहे, नहीं तो एक लाइन बना सकते हो आप इसको। अब जैसे इसको बना के दिखाऊंगा एक लाइन में, देखो कैसे क्या बोलता है। एट पॉइंट क्यू, अच्छा एट पॉइंट क्यू, ये रहा पॉइंट क्यू, बी कम बैक एट हिज नॉर्मल स्पीड। बी जो है वो नॉर्मल स्पीड पे आता है, नॉर्मल स्पीड पे आता है, याद है याद है याद है। ग्राफ देखना अच्छे से, अच्छे से देखना, इसको साफ करता हूँ, देखो फिर दिखाता हूँ अच्छे से ग्राफ आपको। आपको याद है उसने नॉर्मल स्पीड के लिए भी कुछ बोला था, नॉर्मल स्पीड के लिए क्या बोला था भाई उसने, ये बोला था ये तो स्टार्टिंग में होता है, ये एंड पॉइंट होता है, ये इसने क्या बोला था जब मैक्सिमम स्पीड आती है, और ये क्या बोला था जब नॉर्मल स्पीड आती है। याद है चीज़ें चारों, ये नॉर्मल स्पीड आती है मतलब बी की नॉर्मल स्पीड कितने पर आती है, कितनी एनर्जी पे आती है, देखो 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 30 किलो कैलोरी पे आती है, ठीक है ये 30 का डेटा देता है, तो 30 किलो कैलोरी पे इसकी नॉर्मल स्पीड आती है। तो बोलता क्या है, एट पॉइंट क्यू बी कम्स बैक एट इज नॉर्मल स्पीड, इसका मतलब एनर्जी कितनी है क्यू पे, 30 किलो कैलोरी है, कहने का मतलब इसका ये था सारा, नॉर्मल स्पीड पे एनर्जी कब थी, सीलिंग ऑफ द रेक्टेंगल, तो 30 किलो कैलोरी ये रही, ठीक है। एंड ही कवर्ड 1 मीटर बाई लूजिंग 20 जूल्स ऑफ एनर्जी, ठीक है वो 20 जूल में 1 मीटर चलता है, टिल एंड ऑफ द रेस। एंड ऑफ द रेस मतलब एंड पे एनर्जी निकालनी होगी, ध्यान रखो एंड ऑफ द रेस पे निकालो एनर्जी। बी की एंड ऑफ द रेस पे एनर्जी कितनी है, सबसे लोएस्ट पॉइंट देखो कितने पे, बी का सबसे लोएस्ट पॉइंट है 10 पे, तो 10 किलो कैलरी हो जाएगी उसकी एंड पे, तो 10 किलो कैलरी उसका, ये उसका एनर्जी का डिफरेंस हो जाएगा पॉइंट क्यू से लेके कहाँ तक का, एंड पॉइंट तक का, जैसे हमने उसमें किया था, ठीक है। तो 30 माइनस 10 मतलब 20 किलो कैलरी होगी, 20 किलो कैलरी इंटू 4,000 कर लोगे हो जाएगा जूल हो जाएगा कन्वर्ट, ठीक है। और कितने जूल में 1 मीटर चलता है, 20 जूल में चलता है, डिवाइड बाई क्या कर लोगे, 20 कर लोगे, तो आपका कितना आ जाएगा 4,000 मीटर्स ट्रेवलिंग आ जाएगी, मतलब पॉइंट क्यू से लेके एंड पॉइंट तक डिस्टेंस कितनी है 4,000 मीटर। आगे बात समझ में आ तक, सिंपली वही क्या किया मैंने भाई, पॉइंट क्यू पे एनर्जी बताई क्यों, नॉर्मल पे आता है इसका मतलब 30 किलो कैलरी ग्राफ में दिया हुआ है, ये रहा 30, माइनस एंड पॉइंट की एनर्जी कितनी होगी जो लास्ट में आया 10 किलो कैलरी, 10 किलो कैलरी, डिफरेंस कितना हुआ 20 जूल में कन्वर्ट किया 4,000 से मल्टीप्लाई करके। अब 1 मीटर चलने में कितनी एनर्जी लगती है, 20 जूल, डिवाइड बाय क्या कर दिया 20 जूल कर दिया, 20 से 20 कटा, आंसर कितना है 4,000 मीटर, इसकी डिस्टेंस होगी कितनी 4,000 मीटर, ऊपर वाले कितनी थी 5,000 मीटर। अब चलते हैं क्वेश्चन में आगे, क्वेश्चन हमारे को क्या बोलना चाहता है, तो क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू। बहुत ईजी सी बात है भाई, पॉइंट पी और क्यू की डिस्टेंस निकालनी है भाई, ये एंड ऑफ द रेस है, ये पॉइंट पी होगा एक क्यू होगा, क्यों ये 5,000 डिस्टेंस रही होगी, ये कितनी रही होगी 4,000 रही होगी, तो एक की डिस्टेंस 5,000 है एंड से, एक की 1,000 है, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 1,000 मीटर का आ जाएगा क्या, तो 1,000 मीटर की डिस्टेंस हो जाएगी, आंसर हो जाएगा ए। अच्छा क्वेश्चन, आई होप समझ में आ गया होगा, एनर्जी के डिफरेंस पर पूरा काम हुआ है। तो 2 क्वेश्चन हो गए, अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पे, आराम आराम समझा रहा हूँ, दो दो बार समझा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि नई चीज़ है, हो सकता है आप लोगों को बोरियत सी महसूस हो रही हो, मगर फिर भी देखना जरूरी है। देखो भाई तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, अच्छे से पढ़ना। अनदर रेसर एफ, अभी ए बी सी डी ई का डेटा दिया होता, अब उसने कहा एफ और लाओ भाई साथ में, मैंने कहा ठीक है भाई एफ की बात करते हैं। स्टार्टेड रनिंग विद इज मैक्सिमम स्पीड, इसने कहा शुरुआत इसने मैक्सिमम स्पीड से की, बिल्कुल मैक्सिमम स्पीड से शुरुआत की है, बहुत अच्छी बात है। एंड द एनर्जी एसोसिएटेड विद हिम इज 35% ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद ई एट द स्टार्ट ऑफ द रेस। ये बोल रहा है कि एफ की जो एनर्जी है वो कितनी है, जो ई के स्टार्ट में रेस रेस की स्टार्टिंग में ई की जो एनर्जी रही होगी, रेस का रेस की स्टार्टिंग में मतलब ये रही होगी, आगे बस समझ में, स्टार्टिंग मतलब सबसे ऊपर वाला पॉइंट, ई का सबसे ऊपर वाला पॉइंट कितने पे जा रहा है 80 पे जा रहा है, ठीक है ना भाई 80 पे जा रहा है ना, ये 80 की लाइन है, तो ये बोल रहा है उसका 35% रहा होगा, ठीक है उसकी एनर्जी एफ की, तो 80 का 35% कितना हो जाता है, 80 का 35% हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा, 28 किलो कैलोरीज इसकी एफ की एनर्जी आ गई आपकी, ठीक है तो ये 28 आ गई, ओके ये एफ की एनर्जी है, ठीक 80 का 35%, 80 क्यों, क्योंकि उसने बोला ई के टॉप मोस्ट, ये जो ई की इनिशियल एनर्जी रही होगी एकदम स्टार्ट ऑफ द रेस उसका 35%, मैंने कहा ठीक है स्टार्ट पे 80 है, 80 का 35%, 28 किलो कैलोरीज आ गया, ठीक है जी। आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है ही लूजेस 8 किलो कैलोरी एनर्जी, ये बोलता है 8 किलो कैलोरी लूज करता है, ठीक है माइनस 8 किलो कैलोरी कर देता हूँ, तो कितना आ गया 20 किलो कैलोरी एनर्जी रह जाएगी, लूज़ कर दिया ना 8, उसने लॉस हो गया इतना, ठीक ये उसने बोल दिया इतने का लॉस हो जाता है, तो 8 किलो कैलोरी का लॉस हुआ, तो मैंने कहा रिमेनिंग कितनी बच गई, ये रिमेनिंग एनर्जी हो गई ना, रिमेनिंग रह गई आपकी 20 किलो कैलोरी, इससे सारा काम चलेगा, 8 लूज़ कर गया है, ठीक है। आफ्टर विच ही टुक द एनर्जी ड्रिंक,
प्लस क्या कर दिया, अब उसने एनर्जी ड्रिंक ले ली है। एनर्जी ड्रिंक ले ली, इसका मतलब 25% से बढ़ जाएगी, तो 20 से बढ़ के कितनी हो जाएगी, 20 से बढ़ के हो जाएगी हमारी कितनी एनर्जी, बोलो 25 हो जाएगी ना, 25 किलो कैलोरी इसकी एनर्जी हो जाएगी। किसकी, एफ की, क्यों, उसने एनर्जी ड्रिंक ले ली है, तो 25% बढ़ गई, 20 का 25%, 5, 5 बड़ा 20, 5 25 हो गया। ठीक है, आगे क्या बोलता है क्वेश्चन में देखते हैं। अब हम एक एक करके स्टेप बढ़ रहे हैं अपन। आफ्टर विच ही टुक द एनर्जी ड्रिंक एंड देन स्टार्टिंग रनिंग विद स्पीड वी मीटर पर सेकेंड। अब इसने इतनी एनर्जी आने के बाद, कितनी एनर्जी आने के बाद, 25 किलो कैलोरी आने के बाद इसने क्या किया, वी मीटर पर सेकेंड से भागना शुरू कर दिया। ठीक है, हाउ मच डिस्टेंस कैन एफ कवर विद दिस स्पीड इफ ही लूजेस 125 जूल्स इन कवरिंग, 125 जूल्स इन कवरिंग 1 मीटर। ये बोलता है वो कितनी डिस्टेंस कवर कर सकता है जब उसको 125 जूल लगते हैं 1 मीटर कवर करने में, एंड ही डज नॉट फिनिश द रेस। वो कह रहा है ये फिनिश नहीं कर पाता रेस को, एज ही लूजेस ऑल द एनर्जी बिफोर फिनिशिंग द रेस। देखो, एक सबसे बड़ा डाउट जो अभी नहीं तो बाद में इसको रिवाइज करोगे या कभी आएगा, इस क्वेश्चन से भले रिलेटेड ना हो मगर इस क्वेश्चन को जब भी रिवाइज करोगे, जब भी सीखोगे, हो सकता है कई लोगों के मन में आएगा, बाद में मेरे को मैसेज करोगे, अभी मैं बता देता हूँ, आपके दिमाग में एक डाउट यहाँ पे आना चाहिए, नहीं आया तो फिर भी लाओ दिमाग में कि भाई पिछले क्वेश्चन में अपन क्या कर रहे थे, सर आप एंड ऑफ द रेस की एनर्जी को माइनस कर रहे थे, कि नहीं कर रहे थे सर, क्यों, कि एंड में सर इतनी बची है तो उसको माइनस कर दिया। वो भैया मैं क्यों कर रहा था, क्योंकि वो बंदा रेस फिनिश कर रहा था, याद है, रेस अगर फिनिश करोगे, फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंचोगे, तब आपके अंदर एनर्जी है। इस क्वेश्चन में इसने क्या बोला कि उसकी एनर्जी कहीं बीच में खत्म हो गई, तो अब इसमें ये वाला फंडा मत ढूंढने लग जाना कि एंड ऑफ द रेस की एनर्जी माइनस क्यों नहीं की, भैया वहां तक पहुंचा ही नहीं, उसकी एनर्जी कैसे माइनस कर दूंगा। अगर किसी की एनर्जी बीच में खत्म हो गई, इसका मतलब माइनस कुछ नहीं, सारी एनर्जी उसकी वेस्ट हो गई है, सारी एनर्जी कंज्यूम करके अब इसलिए आगे वो बढ़ नहीं पाया, पहुंच नहीं पाया है। ये बात ध्यान रखना, दो बातें इसमें चलेंगी, अगले क्वेश्चन में भी शायद आ जाए, कि एक तो होगा कि रेस बीच में ही खत्म हो गई, तो उसमें फिर ये मत ढूंढना सर ये लास्ट वाला पॉइंट चाहिए क्या, क्यों चाहिएगा भैया, लास्ट वाला पॉइंट तेरे को बताया हुआ मैंने कि फाइनल पॉइंट पे पहुंचने के बाद एनर्जी है, बीच के पॉइंट पर अगर एनर्जी खत्म हो गई किसी की तो फिर ये मत ढूंढना सर लास्ट वाला पॉइंट लगा दूं, नहीं, बीच वाले पॉइंट पर खत्म मतलब खेल खत्म हो गया उसका, लास्ट वाले पॉइंट पर पहुंचोगे तब इतनी एनर्जी बची है कि भाई रेस 100 मीटर की थी, उसके अंदर थोड़ी है और एनर्जी, तुम और भगवा लेते 50 मीटर, उसने मना थोड़ी किया था, तो वो जो रिमेनिंग एनर्जी है वो ये सब दी हुई है भाई। उसेन बोल्ट अगर मान लो कुछ 100 किलो कैलोरी की एनर्जी भाग रहा है, ठीक है, उसका जितनी टोटल एनर्जी है, अब उसकी 200 मीटर में एनर्जी खत्म ही नहीं हुई, 100 मीटर की एनर्जी और बची है उसमें, तो वो उसकी बची हुई एनर्जी वो यहाँ पे हमने लिख दी है। ठीक है ना, अब किसी की कोई इंडिया का धावक गया, इंडिया वाले पता ही आपको कितनी स्पीड से भागते हैं ओलंपिक में, क्वालिफाई नहीं होता, वो बेचारा बीच में के बैठ गया, तो उसकी एनर्जी ये कौन सी हो जाएगी, उसकी एनर्जी हो जाएगी ये वाली, आई लव माई इंडिया, बुरा मत मानना मगर जो खेल है जो है सच्चाई है जो है, क्रिकेट में आ जाओ भाई। ठीक है, तो ये 25 किलो कैलोरी की एनर्जी थी, उसके बाद इसने क्या किया, वी मीटर पर सेकंड से भागना शुरू कर दिया था, हमको बताया गया था वी मीटर पर सेकंड से भागना शुरू किया। हाउ मच डिस्टेंस कैन एफ कवर विद दिस स्पीड इफ ही लूजेस 125 जूल्स इन कवरिंग 1 मीटर। ये बोल रहा है 125 जूल खत्म होने लग जाता है, एंड ही डज नॉट फिनिश द रेस एज ही लूजेस ऑल द एनर्जी बिफोर फिनिशिंग द रेस। ऑल द एनर्जी बिफोर फिनिशिंग द रेस, देखो टोटल एनर्जी थी कितनी इसके पास, 25 किलो कैलोरी थी, तो 25 किलो कैलोरी थी, इसका मतलब गुणा 4000 कर दूंगा कितना जाएगा, जूल में जाएगा। ठीक है, इसको कैलोरी कटाओ, ये बन गया कितना, जूल बन गया, तो 25 गुणा 4000 जूल डिवाइड किससे कर दोगे, डिवाइड कर दोगे 125 जूल पर मीटर वाले से, क्योंकि एक 125 जूल में कितना चलता है, ये 1 मीटर चलता है, तो ये इतना सा बचता है उसमें कि भाई इतनी एनर्जी थी टोटल 125 जूल में 1 मीटर, तो बताओ कितने मीटर यात्रा करी, सिंपल ये डिवाइड बाई 5 से कटेगा, 4000 बाई 5 मतलब 800 मीटर ये चल पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं चल पाएगा, 800 मीटर के बाद इसकी नैया पार हो गई, ख़त्म हो गई इसकी बात, 800 मीटर पे इसका सिलसिला खत्म हो गया, क्यों, 25 किलो कैलोरी की टोटल एनर्जी थी, ईजी क्वेश्चन था ये काफ़ी, 25 किलो कैलोरी की एनर्जी थी, डिवाइड बाई कितने से कर दिया, 125 जूल पर मीटर से कर दिया, क्योंकि 1 मीटर में ये 125 जूल एनर्जी लगा रहा था, तो 800 मीटर पे इसका काम खत्म हो गया, तीसरा क्वेश्चन खत्म होता है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया है। अब चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पे, एक एक क्वेश्चन को बहुत प्यार समझा रहा हूँ, प्लीज़ देखते जाओ अच्छे से। देखो क्या बोलता है, इफ बी एंड डी लूज ऑल द एनर्जी एसोसिएटेड विद देम इन बिटवीन द रेस। देखो देखो अभी जो बात बोल रहा था बी और डी की, इफ बी एंड डी लूज ऑल द एनर्जी एसोसिएटेड विद देम इन बिटवीन द रेस, ये बोल रहा है बी और डी ने सारी एनर्जी, बी और डी ने, ठीक है, सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा, हिंदी वालों सारी ऊर्जा खत्म कर दी है, सारी ऊर्जा खत्म, बी और डी की पूरी एनर्जी, होल एनर्जी, सब खत्म हो गया मामला, ठीक है, यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया बी और डी का, रेस के बीच में, बिटवीन द रेस, इसका मतलब बी और डी में ये वाला फंडा मत ढूंढना मेरे भैया,
क्यों? क्योंकि वो एंड पॉइंट तक तो पहुंचा ही नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला फंडा नहीं लगाऊंगा, उसकी एनर्जी बीच में ही नष्ट हो गई है, खत्म हो गई है। तो ये बात उसने पहली लाइन में बहुत सारी हमको क्लियर कर दी है। तो अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन का ये था, इसलिए मैं आपको समझा रहा था पिछले पॉइंट पे कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो इफ बी एंड डी लूज ऑल द एनर्जी एसोसिएटेड विद देम इन बिटवीन द रेज एंड बोथ स्टार्टेड विद देयर मैक्सिमम एनर्जीज वेल, ठीक है, दोनों स्टार्ट मैक्सिमम एनर्जी से हुए, ठीक है, वो तो होएंगे ही है ना। वेल बी एंड डी लूज 250 जूल्स एंड 200 जूल, 250 जूल्स एंड 200 जूल्स रेस्पेक्टिवली टू कवर 1 मीटर, ठीक है। 1 मीटर कवर करने के लिए बी को लगते हैं 250 जूल और इसको डी को कितने लगते हैं 200 जूल। देन फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाई बी इज हाउ मच परसेंटेज मोर और लेस देन डिस्टेंस कवर्ड बाई डी। अब तो ये कर लोगे आराम से। सॉरी, तो बी और डी की देखो, सबसे पहले बी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये बी की बात करूँ अगर, तो बी की अगर मैं बात करने के लिए निकलूँ यहाँ पे, तो बी की बात क्या हो जाएगी कि भाई वो बोल रहा है मैक्सिमम एनर्जी शुरू किया बी ने, ठीक है। तो बी ने मैक्सिमम एनर्जी शुरू किया, इसका मतलब मैक्सिमम एनर्जी बी कितनी रही होगी बताओ, 65 रही होगी, मैक्सिमम एनर्जी यहीं पे है। तो बी ने कितने शुरू किया, 65 से शुरू किया है। अब वो बोल रहा है 65 की 65 उसकी पूरी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना, ये बात याद रखना। क्यों? क्योंकि उसके अब ये मत ढूंढना 65 में सर कितना माइनस करूँ, माइनस करना ही नहीं है क्योंकि लास्ट पॉइंट तक पहुंचा ही नहीं है, वो कहीं बीच में रुक गया, क्योंकि उसकी 65 की 65 पूरी खत्म हो गई, पहली लाइन में लिखा हुआ है। तो बी की 65 किलो कैलोरी है, इसको जूल में बदलना पड़ेगा ना, तो 4000 जूल में कन्वर्ट हो जाएगी टोटल एनर्जी, ये आ गई। और बी कितना एनर्जी कंज्यूम करता है 1 मीटर के लिए, 250 जूल की एनर्जी ये कंज्यूम करता है, 250 जूल करता है। तो डिवाइड बाय किससे कर दूंगा, 250 जूल से कर दूंगा। तो बी की डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, क्योंकि जूल पर मीटर है ना, 1 मीटर के लिए इतना जूल है, तो टोटल मीटर कितने आ जाएंगे भाई बताओ। ये 250 को 4000 से काटोगे कितना, 16 बार कटेगा, 65 × 16 बराबर कितना जाएगा, 65 और 16 है ना, तो 650 इधर से आ जाएगा, रुको, 3 6 36 और 5 41, 3 4 44, 6 6 1040, ठीक है। तो 1040 मीटर चला है बी, ठीक है। बी कितना चला, बी चला 1040 मीटर। आगे बात समझ में आता, अच्छा जी। अब चलते हैं किसकी बात करनी है, डी की बात करनी है। डी के बारे में क्या बोला गया है भाई, डी की मैक्सिमम एनर्जी कितनी है, डी मैक्सिमम एनर्जी चला मतलब डी की एनर्जी कितनी है, 60 है, 60 गुना वापस से वही 4000 जूल के लिए। डिवाइड किससे करोगे डी को, 200 से करोगे, क्योंकि 200 जूल पर मीटर लगता है इसको, तो डी को लगता है 200 जूल पर मीटर। डी को 200 जूल पर मीटर अगर लगता है, तो 200 जूल पर मीटर से अगर निकालोगे, तो 60 इधर है, 200 ये हो जाएगा 20 बार, तो डी कितना आ जाएगा, 1200 मीटर आ जाएगा डी का, 1200 मीटर आएगा ना इसका डी का, ठीक है। तो डी का आ गया 1200 मीटर, अच्छा जी, ये 1200 हो गया, वो 1040। तब पूछा क्या है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय बी इज हाउ मच परसेंट मोर लेस देन डिस्टेंस कवर्ड बाय डी, बी का डी कंपेरिजन में ना, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई, 1200 माइनस 1040 डिवाइड में कौन आएगा, बाई देन डिस्टेंस कवर्ड बाई डी है ना, डी वाला डिवाइड में आ जाएगा, 1200 गुणा में क्या हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा, कितना आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा ऊपर 160 160 आएगा ना, डिवाइड बाई 12 हो जाएगा, तो 160 डिवाइड 12 मतलब 40/3, 40/3 का मतलब कितना हो जाएगा, 13 1/3 दैट इज 13.33%, ये हो जाएगा मेरा आंसर, 13.33 मतलब सी आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं, सिंपली क्वेश्चन करना था ये वाला, बस इतना ध्यान रखना सारी एनर्जी वेस्ट हो गई, सारी एनर्जी कंज्यूम हो गई, वेस्ट नहीं पड़ रहे, कंज्यूम हो गई, तो इसका मतलब इस वाली चीज़ को हमको कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि लास्ट पॉइंट तक नहीं पहुंचा, मैक्सिमम एनर्जी दोनों उठाई, उनको पूरी को कंज्यूम कर दिया जूल में, और जूल को डिवाइड कर दिया पर मीटर जितना जितना एनर्जी लग रही थी। अब आता हूँ मैं लास्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन और भी अच्छा लास्ट क्वेश्चन है, और प्लीज़ अगर यार ये डीआई इस लेवल की डीआई अगर आपको करवा रहा हूँ, तो प्लीज़ यार अब इसको शेयर करना तो बनता है यार, नहीं बनता तो फिर यार इसके बाद तो कुछ नहीं कह सकता यार, इस लेवल की अगर डीआई आपको करवा रहा हूँ, लॉजिकल का पूरा डर खत्म करने की गारंटी ली हुई है। अब करेंगे अपन 5-7 दिन लॉजिकली करते हैं लगातार, देखते जाओ, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है पांचवा क्वेश्चन, प्लीज़ शेयर कर देना इस वीडियो को यार, होने के बाद वीडियो शेयर जरूर कर देना पढ़ने लिखने के बाद, ये लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ बस मैं, चलो ध्यान से देखना क्या है क्वेश्चन लास्ट। ई वैन अटेन्स हिज मैक्सिमम स्पीड एट पॉइंट पी, ई क्या करता है पॉइंट पी पे, पॉइंट पी की बात हो रही है किसी पॉइंट पी की, पॉइंट पी पे ये ई की बात हो रही है, ठीक है। ये बोल रहा है ई व्हेन अटेन्स हिज मैक्सिमम स्पीड एट पॉइंट पी लूजेस 625 जूल्स टू ट्रेवल 1 मीटर, कितना लगता है इसको, 625 जूल लगते हैं पर मीटर इसको, ठीक है। अच्छा जी, 625 जूल लगाता है ये पर मीटर के लिए, ठीक है। तो दिया हुआ 625 जूल पर मीटर, एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन टू कवर 1 मीटर
चलो एक काम करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। चलो ई की एनर्जी पॉइंट पी पे कितनी रहेगी पहले तो ये बताओ मेरे को, पॉइंट पी पे ई की एनर्जी कितनी रही होगी। अटेन्स हिज मैक्सिमम स्पीड, ध्यान रखो मैक्सिमम स्पीड मतलब क्या बताया था, मैक्सिमम स्पीड कहाँ पे रही होगी, ई की यहाँ रही होगी ना, इस वाले ये जो चीज़ है, क्यों ये क्या था स्टार्टिंग, ये थी मैक्सिमम वाला, ये था नॉर्मल वाला, और ये क्या था एंड था, तो मैक्सिमम यहाँ रही होगी ना लाला, तो मैक्सिमम स्पीड मतलब ये हो जाएगा 60, ये रहा 60, तो मैक्सिमम स्पीड रही होगी 60 पे, ठीक है ना, 60 एनर्जी रही होगी यहाँ पे, तो ई की एनर्जी पॉइंट पे कितनी आ जाएगी आपकी 60 किलो कैलोरीज, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम स्पीड की बात हो रही है मतलब यहाँ पे, तो 60 किलो कैलोरीज आ जाएगी ई की। एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन टू कवर 1 मीटर बाई ई वर 5 टिल द एंड ऑफ द रेस। अच्छा रेस एंड की है, चलो ये बात सुनवा, रेस एंड तो कर रहा है, रेस एंड कर रहा है मतलब मिनिमम एनर्जी कितनी यूज होगी यहाँ पे, 20 हो जाएगी, रेस एंड हो रही है, ठीक है। बोलता क्या है हमको अच्छे से पढ़ते हैं पूरा, इवन अटेन्स इज मैक्सिमम स्पीड, ठीक है मैक्सिमम स्पीड वाली एनर्जी आ गई, एट पॉइंट बी लूजेस 625 जूल्स टू ट्रेवल 1 मीटर, 1 मीटर ट्रेवल करने के लिए इतना जूल लगता है, एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन टू कवर 1 मीटर बाई ई वर 5 टिल द एंड ऑफ द रेस। और बोलता है कि 1 मीटर को कवर करने की एनर्जी तो इतनी है 625 जूल, मतलब ये एनर्जी 625 जूल, मगर बोल रहा है 1 मीटर को कवरने के लिए उसको 5 स्टेप लगाने पड़ रहे थे, ठीक है 1 मीटर के लिए 5 स्टेप भी लग रहे थे टिल एंड ऑफ द रेस, ये ई की बात हो गई। अच्छा डी व्हेन अटेन्स, ये तो ई की बात हो गई, अब डी की क्या बात बोल रहा है, देखो डी की बात देखते हैं एक बार, ई की बात हम कर लेंगे। डी व्हेन अटेन्स हिज नॉर्मल स्पीड एट पॉइंट क्यू, अब ये कोई पॉइंट क्यू की कहानी है, टेक्स एनर्जी ड्रिंक एंड लूजेस 500 जूल टू कवर 1 मीटर, बट नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन बाई हिम टू कवर 1 मीटर इज 8 टिल ही फिनिशेज द रेस। वो भी फिनिश कर रहा है रेस, और उसका ही बताया कि 1 मीटर के लिए कितनी एनर्जी लगती है, 1 मीटर के लिए कितने स्टेप लगते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन बाई ई फ्रॉम पॉइंट पी टू कम्प्लीशन ऑफ रेस एंड डी फ्रॉम पॉइंट क्यू टू कम्प्लीशन ऑफ रेस, ई डिड नॉट टेक एनर्जी ड्रिंक। मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स दोनों के निकालने पड़ेंगे तभी तो नंबर ऑफ स्टेप्स का डिफरेंस आएगा, तो हमको नंबर ऑफ स्टेप्स निकालने हैं, तो देखते हैं कैसे निकलेंगे, वैसे आप लोग निकाल लोगे मुझे पता है। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं ई की बात इतनी है, ई की कहानी सॉल्व करते हैं क्या है, ठीक है ई की कहानी मैं सॉल्व करता हूँ क्या है कहानी ई की। देखो ई की एनर्जी मुझे पता लग गई कि इतनी है, क्यों ई की एनर्जी इतनी, क्यों क्योंकि मैक्सिमम स्पीड की बात कर रहा है पॉइंट पी पे, तो मैक्सिमम स्पीड मतलब ये 60 वाला केस हो गया। अच्छा अब ई जब एंड ऑफ द रेस होगा, ठीक है एंड ऑफ रेस हो गया, उस पे ई की एनर्जी कितनी रही होगी, ई की एनर्जी बताओ, ई की एनर्जी एंड ऑफ द रेस पे कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, तो 20 किलो कैलोरी एंड ऑफ द रेस पे लग जाएगी, मानते हो बात, तो इसका मतलब कितनी एनर्जी उसने यूज़ की, एनर्जी यूज़ कितना हुआ होगा, 40 किलो कैलोरी का हो जाएगा भाई, क्यों पॉइंट भी हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, जैसे पहले क्वेश्चन निकाली थी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, क्योंकि हमको 1 मीटर के लिए बताई हुई एनर्जी, तो मैं टोटल एनर्जी निकाल ले रहा हूँ कितनी यूज़ हुई होगी भाई, पी पॉइंट पर कितनी एनर्जी है 60 है, एंड ऑफ द रेस पर कितनी है 20 है, तो पी पॉइंट से एंड तक जाने के लिए कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई, 40 हुई, पहले क्वेश्चन जैसे कराया था ये 40 आ गया, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना होगा, जूल में करना ही करना है, आपको पता है, तो 40 गुणा कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा, ये डिवाइड का साइन नहीं, डिवाइड मत मान लेना बीच वाले को, मिटा देता हूँ, ठीक है तो 40 गुणा 4000 जूल हो जाएगी ई की कहानी, ठीक है यहाँ तक, इतनी एनर्जी इसने यूज़ की होगी। अब 1 मीटर ट्रेवल करने के लिए कितना जूल लग रहा है, 625 जूल लग रहा है, तो कितने मीटर हो जाएंगे, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखो ई की डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा, ये 16 1 2 3 4 बिंदी लग जाएगी, ठीक है 40 गुणा 4000 कर दिया, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 625 जूल पर मीटर, ऊपर क्या है जूल है, तो इससे मेरी आ जाएगी क्या डिस्टेंस, जैसे कि पहले क्वेश्चन में निकाली थी, तो ये डिस्टेंस अगर निकाले जाऊँगा तो क्या लिख सकता हूँ इसको, 16 गुणा 100 गुणा 100 डिवाइड बाय 25 25, ठीक है 625 को लिख लिया, ठीक है भाई 16 4 0 थे 100 100 लिख लिया, उधर नीचे 25 गुणा 25 625 होता है, ये चार 4 4 16 16 256 256 मीटर की डिस्टेंस आ जाएगी, ये सब मिटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है ये सब मिटा के डिस्टेंस कैसे आई है मेरी पूरी 256 मीटर आ जाएगी। कैसे निकाला है भाई, टोटल एनर्जी कितनी थी 40 गुणा 4000, ठीक जूल में डिवाइड बाई 625 जूल पर मीटर लगता है, तो टोटल डिस्टेंस आ गई 256 मीटर्स, यहाँ तक बात समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है ये हो गई मेरी किसकी बात, ई की बात हो गई है, तो ई 256 मीटर आ गया। अब 1 मीटर के लिए कितने स्टेप लग रहे थे, देखो देखो अच्छे से देखो, स्टेप्स निकालने हमको, डिस्टेंस से संतोष नहीं करना है हमको, निकालने स्टेप्स। फाइनली क्या बोला हमको कि भाई स्टेप्स टेकन टू कवर 1 मीटर बाई ई वर 5, 1 मीटर के लिए 5 स्टेप लगते हैं, तो 256 मीटर के लिए कितने लग जाएंगे, 256 इंटू 5 कितना हो जाएगा 1280 स्टेप्स लग जाएंगे इसके,
ये हो जाएंगे ई के स्टेप। आई होप ई के स्टेप समझ में आ गए हो। कैसे निकाला भाई, ई की एनर्जी पॉइंट पी पे निकाली, ई की एनर्जी एंड ऑफ द रेस पे निकाली जो कि हमको ग्राफ में मिल जाती है, दोनों का डिफरेंस निकाला, जूल में कन्वर्ट किया, इसका मतलब पता लग गया एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे निकाला था। तो अब उसके बाद डिस्टेंस कैसे निकाली भाई, एक मीटर में कितनी एनर्जी लगती है, 625 टोटल डिस्टेंस में उसका डिवाइड किया, डिस्टेंस आ गई। अब एक मीटर को 5 स्टेप से करता है तो इस डिस्टेंस को कितने करेगा, इंटू 5 से करेगा, तो 1280 स्टेप यहाँ से आगे, 1280 स्टेप में लिख दे रहा हूँ ई के पॉइंट पी से कंप्लीशन तक के। अभी मैं आगे करूँगा तो आपको आगे का खेल भी समझ में आ जाएगा, सो यू नीड नॉट टू वरी, बस याद रखना कि ई के 1280 स्टेप में। अब आगे जिसका डी का बोला, डी का भी सेम प्रोसेस पूरा करके बताऊँगा तो समझ में आ जाएगा, घबराना मत अगर नहीं समझ में आया किसी को अभी तक भी। तो वैसे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, आप देख रहे हो ठीक है ना। तो ई के आपको मैं बताता हूँ पॉइंट पी से लेके एंड तक इसने कितने किए, 1280 स्टेप किए किसने, ई ने, ठीक है। ये बात ई की यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अब चलते हैं हम लोग आगे कहाँ पे, डी पे चलते हैं। डी की कहानी, डी की कहानी, डी की कहानी कहाँ है, ये डी वेन अटेन्स इज, ठीक है ये डी की कहानी है, ठीक यहाँ तक डी की कहानी है। अब देखते हैं क्या है डी वेन अटेन्स इट्स नॉर्मल स्पीड एट पॉइंट की, नॉर्मल स्पीड की कहानी है। देखना देखना ग्राफ देखना, इसको तो हटाता हूँ, अब दिखाता हूँ ग्राफ वापस से। देखना डी नॉर्मल स्पीड, देखो डी ये तो मैक्सिमम स्पीड होती है, ये क्या होती है, नॉर्मल स्पीड होती है, ठीक है। नॉर्मल स्पीड नीचे वाली होती है, ऊपर वाला मैक्सिमम स्पीड होता है। तो नॉर्मल स्पीड करस्पॉन्डिंग कितनी है, 25 है क्या, ठीक है 25 हो जाएगा। तो 25 को अगर आप देखने जाओगे तो 25 का, ये डी की बात कर रहा हूँ ठीक है, पॉइंट क्यू से कहाँ तक, एंड तक बात कर रहा हूँ। तो पॉइंट क्यू की अगर मैं बात करूँ तो क्या होगा, कितनी किलो कैलोरी हो जाएगी, 25 किलो कैलोरी हो जाएगी भाई, ठीक है नॉर्मल स्पीड के लिए 25 है। अच्छा डी वेन अटेन्स नॉर्मल स्पीड एट पॉइंट क्यू टेक्स एनर्जी ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक आ गई, मतलब इंटू 5/4 हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए एनर्जी ड्रिंक आते ही 25% बढ़ जाता है, पता है ना, तो इंटू 5/4 कर दिया, ये एनर्जी हो गई इसकी, ठीक। एंड लूजेस 500 जूल्स टू ये वो, ये फिनिश द रेस। तो टोटल एनर्जी कैसे निकालोगे, जैसे अभी से वहाँ से वहाँ तक निकाली थी एंड की, भाई क्यू पॉइंट पे इतनी एनर्जी है, ठीक है 25 × 5/4, 25 × 5/4 को मैं एक बार अच्छे से लिख देता हूँ, इसको समझ में आता है। पॉइंट क्यू पे कितनी है आपकी, 25 × 5/4 तो बराबर कितना हो जाएगा, 125/4 किलो कैलरीज। अब अगर डी का आप एंड ऑफ द रेस पॉइंट पे देखोगे, एंड ऑफ द रेस पॉइंट पे देखोगे तो कितनी एनर्जी होगी डी की, ये एनर्जी कितनी है, 10 है, 10 किलो कैलरीज है, ठीक है। एनर्जीज का डिफरेंस कितना आ जाएगा भाई, 125/4 माइनस 10 किलो कैलरी इंटू 4000 कर दूंगा तो जूल आ जाएगा। ये क्या आ गया मेरा, डी के लिए एनर्जी का डिफरेंस आ जाएगा, मतलब पॉइंट क्यू से लेके एंड पॉइंट तक जाने के लिए इतने जूल एनर्जी लगी होगी, बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये इतनी एनर्जी लगेगी इसकी यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, अगर यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इतनी एनर्जी लग रही है और एक मीटर कवर करने के लिए कितनी एनर्जी लग रही है इसकी, 500 जूल लग रही है, तो डिवाइड बाई 500 जूल पर मीटर कर देता हूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, टोटल मीटर कितने ट्रैवल हुए हैं, आगे बात समझ में। अगर मैं इसको यहाँ से निकालने जाऊँगा तो ये कटेगा कितनी बार, 8 बार कटेगा, ये 8 बार कटेगा तो कितना जाएगा, 250 − 80 आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ 250 − में कितना जाएगा, 80 आ जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 170 मीटर हो जाएगा, 170 मीटर के आ गई इसकी डिस्टेंस, आ गई 170 मीटर की डिस्टेंस हो गई है। अब एक स्टेप देखो मैं, चलो 170 मीटर आ गई ना, अब बाकी सब मिटा दे रहा हूँ, ध्यान रखना, 2-3 बार समझा चुका हूँ। तो ये पहले एनर्जी निकाली, फिर एंड पॉइंट की एनर्जी निकाली, एनर्जी कैसे निकाली थी शुरू में, एनर्जी ड्रिंक पिला के 5/4 कर दिया था, एंड की एनर्जी निकाल ली, वो दी हुई थी यहाँ पे कितनी, डी की 10 दी हुई थी, 10 का डिफरेंस निकाला, इंटू 4000 किया, उससे जूल आ गया, जूल आ गया, उसके बाद में 500 जूल से डिवाइड कर दिया क्योंकि एक मीटर के लिए 500 जूल चलना पड़ता है। तो टोटल मेरी डिस्टेंस आई थी कितनी, 170 मीटर डिस्टेंस आई थी क्यू से एंड पॉइंट तक की डिस्टेंस, ठीक है। 170 मीटर डिस्टेंस, 170 मीटर डिस्टेंस आ गई, तो 170 मीटर डिस्टेंस को इंटू कितने से करना पड़ेगा, 8 से स्टेप्स के लिए, मानते हो बात, क्योंकि एक मीटर के लिए 8 स्टेप लगते हैं हमको बताया गया है, ठीक। तो एक मीटर के लिए 8 स्टेप लगते हैं, तो 170 × 8 कितना हो जाएगा, 136 स्टेप्स आपके आ जाएंगे, ये आ जाएंगे डी के लिए स्टेप इतने हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन बाय ई फ्रॉम पॉइंट पी टू कंप्लीशन ऑफ रेस एंड डी फ्रॉम पॉइंट क्यू टू कंप्लीशन ऑफ रेस। मतलब एक को तो लगते हैं 1360, दूसरे को लगते हैं 1280, डिफरेंस निकालोगे 80 स्टेप्स का डिफरेंस आएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन खत्म होता हुआ यहाँ पे,
80 स्टेप्स आ जाएगा। अगर किसी को डीआई समझ नहीं आई तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लेना, आराम से बहुत आराम से समझ में आ जाएगी। मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की समझाने की, फिर भी डाउट रह जाता है तो टेलीग्राम ग्रुप में भी आप पूछ सकते हो, दोबारा से पूछ लेना, ग्रुप में आपको फिर से समझा देंगे। आई होप यहाँ तक आपको डीआई समझ में आ गई होगी पूरी अच्छी तरह से। बॉक्स डीआई थी आपके लिए, बॉक्स था प्लस लॉजिकल था प्लस एनर्जी था, तो सब कुछ एक में मिल गया था, चटपटा मसाला। तो कोशिश की थी, तो आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो शेयर प्लीज़ कर दीजिएगा, और नहीं पसंद आई हो तो गाली मत दीजिएगा, वापस पूछ लेना, फिर से बता दूंगा, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, कोरोना वायरस से बच के रहिए, घर में रहिए और आराम करिए, पढ़ाई करिए, घर वालों के साथ टाइम बिताइए। और पेड कोर्स वगैरह जो लोग पूछ रहे हैं कि सर बैच कब आएगा, SBI PO का स्पेशल बैच कब अनाउंस कर रहे हो, ये है वो है, तो वो सारी चीज़ें मैं 1 अप्रैल से शुरू कर देंगे अपन एक चीज़ अपनी, आराम से प्रॉपर बैच शुरू हो जाएगा अपना SBI PO के टारगेट करते हुए, कंप्लीट मैथ्स अर्थमेटिक DI सबका कंप्लीट, मेंस प्री सब कुछ इंक्लूड करते हुए उसमें, तो वो मैं भी 2-3 दिन में आपको बता दूंगा। और ठीक है, अब आगे कल मिलेंगे DI नए DI के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज़।